एक बहन के खून से तलवार की प्याज को बुझा देना, तुम्हारे दिल में छत्री को सुबह नहीं देती। मृत्यु वस्त्र हाँ, बिना स्वार्थ के पाप नहीं होता। और जब प्राणों पर नौबत आ जाती है तो बेटे का पाप नहीं होता। ये बोल राजकंस, अभी अभी तो तुम अपनी बहन देवकी को बड़ी खुशी के साथ में ससुराल को विदा कर रहे थे, एक पल में आपको क्या हो गया, सारी मंडली हिल गई। तुमने आकाशवाणी नहीं सुनी क्या, जब बहन का आत्मा बेटा मेरा काल है, और जब नागिन नहीं रही तो सपूरा पैदा कहाँ से होगा। हे बोल राजकंस, आप देवकी को ना मारो, देवकी देवेंद्र महाराज मेरी बात सुनो। सुनाओ। आपका लाभ क्यों नहीं होगा महाराज, जब नहीं मर जाऊंगा तो देव की विधवा हो जाएगी, फिर संतानी नहीं होगी। तुम बहुत बड़े भोले हो, मतलब ये जरूरी थोड़ी को औरत का पति मर जाए तो औलाद न पैदा कर सके। अरे भाई, जब औरत का पति ही मर जाएगा तो वो स्त्री बिना पति के आंगन में रह जाएगी, तो संतान कैसे पैदा हो जाएगी। जो वन में बेल होती है, पास में वृक्ष होता है, उसे लपट जाती और बनता औरत, औरत कभी जात पात नहीं देखती, औरत कभी जात पात नहीं देखती। विद्या बनता बन लता जेन कतिय कुल जात, और जो इनके निकट है बाई सो जपता, तो कोई जरूरी है हाँ अब सुनो, सुनिए। पता है कि एक बच्चा उसमें
तुम बटेर में नहीं जाओगे। कहाँ जाए? मथुरा में मेरा महल है, उसी में तुम रहिए। जो आप क्या क्या महाराज नजर के मुझे मंजूर है। मेरे भाइयों आज बहन बहनों को नजर के कर लिया और अंकल और अम्भुज ये ग्राम पहाड़ छोड़ते ये परिसर जी के देवते मैया देवी की शादी पर इक्यावन इक्यावन मुद्राओं से सम्मान करते भगवान करें या सुख और शांति। तीन साल के बाद देवती की कोख से पहला बच्चा पैदा हुआ। बस देव बच्चा को लेकर के दरबार में गए, वो कहने लगे लीजिए साले साहब आपका पहला भोजन है पहला शिकार। कंस ने बच्चा गोद में ले लिया। बच्चा इतना प्यारा था कंस को तैयार वो कंस ने कह दिया इसको ले जाओ। इस मां की लोथड़ी ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। आत्मा बेटा हो तो ले आना। मेरे भाइयों बच्चा वापस किया देवताओं खलबली मची। नारद से कहा तो जाओ कंस को उकसाओ पापों के लिए। हाथ में बिना दी एक कमल का फूल लिया। आत्मा दुनिया है Ha 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 ha.